अंतरिक्ष में भारत ने एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इसरो ने आज यानी 6 जनवरी शनिवार को अपने आदित्य L1 यान को पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर हॉलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो भारत का आदित्य L1 यान सूरज के काफी नजदीक वाली कक्षा में सफलतापूर्वक पहुँच गया है, जहाँ से सूरज को समझना और आसान हो जाएगा। बता दें कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए पिछले साल 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च किया गया था और आज 126 दिन बाद यानी करीब 5 महीने बाद अपने तय समय पर यानी 6 जनवरी 2024 की शाम ये सैटेलाइट L1 पॉइंट पर पहुंच गया, जहां से अब ये सैटेलाइट भारत समेत पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को सौर तूफानों से बचाएगा। इसरो की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई। पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गई है। ये सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण का नतीजा है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूँ। हम मानवता के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं ये लैग्रेंज पॉइंट 1 है क्या, जिसकी कक्षा में सैटेलाइट आदित्य 1 पहुंचा है। लैग्रेंज पॉइंट वह क्षेत्र है जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण निष्क्रिय हो जाता है। आदित्य L1 यान इसके आसपास एक हॉलो ऑर्बिट में रहेगा और वहीं से वो सूर्य से जुड़ी अहम जानकारी इसरो को मुहैया कराएगा। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 1% है। हॉलो ऑर्बिट में उपग्रह से सूर्य को लगातार देखा जा सकता है, इसलिए आदित्य L1 को इस ऑर्बिट में रहकर रियल टाइम में सूर्य की गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष पर्यावरण की भी निगरानी करेगा, जिससे अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान मॉडल बेहद अहम साबित होगा। बता दें कि इसरो के इस आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। यह सूर्य की सतह पर आने वाले और भूकंप, सूर्य के धड़कने संबंधी गतिविधियों और पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष में मौसम से जुड़े रहस्यों को समझेगा। सूरज के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड करेगा। सूरज के ताप को झेलने के लिए इसरो की ओर से तैयार किए गए आदित्य L1 में अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है, जो इसे सूर्य के प्रचंड ताप से सुरक्षित रखेगा। बता दें कि इसरो लगातार अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच रहा है। पहले मिशन चंद्रयान 3 और अब मिशन सूरज के लिए आदित्य L1 का ये ऐतिहासिक सफर, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की मानवता के लिए ऐतिहासिक कदम है, हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है।